नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस क्लास में हम जो हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है और जो इसका एक चैप्टर है जो कि है मेट्रोलॉजी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है मेट्रोलॉजी। इसी से आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से करेंगे। तो जो ये टॉपिक है ये है आपका मेट्रोलॉजी। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका ये एनएचएम का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम होने वाला है फार्मासिस्ट के लिए, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो अभी हमने मॉक टेस्ट हमने दिया था तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे आपसे 15 जो एमसीक्यू हैं वो आपसे फार्मास्यूटिक्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। 15 एमसीक्यू जो हैं वो आपसे यहाँ पे फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वो आपके फार्मास्यूटिक्स से पूछे जाएंगे। एक बार मैं इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ, शायद 15 एमसीक्यू यहाँ पे जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि मॉक टेस्ट में हम सभी को बताया गया था। तो देखिए, जो हमारा ये 15 एमसीक्यू है ये हमारा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स और डी फॉर्म सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिक्स, इन दोनों से ये 15 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो देखिए, डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आप जरूर से तैयार कर लें। ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है कि आप इस एमसीक्यू को भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक से अगर आपके डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो आपका फार्मास्यूटिक्स है अगर उससे एमसीक्यू पूछता है तो आप उन एमसीक्यू को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो देखिए, जब हम मेजरमेंट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेट्रोलॉजी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं मेजरमेंट की तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। और देखिए, जो हमारा मेट्रोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा मेट्रोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा मेट्रोलॉजी है इसको हम डिवाइड करते हैं इम्पीरियल सिस्टम में, ठीक है, इम्पीरियल सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन होता है कि जो हमारा मेट्रोलॉजी है इसको हम डिवाइड करते हैं किसमें? इम्पीरियल सिस्टम में और मेट्रिक सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर इज, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ वेट और जो यहाँ पे मेजर है वो इसमें क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इम्पीरियल सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, बोथ वन एंड टू एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा यहाँ पे वेट यानी कि वजन होता है, जो इसका वजन है वो हम जनरली किस में लेते हैं? वो हम लेते हैं केजी में, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है, यूनिट सिस्टम बनाया गया है। तो सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर इज, तो ये इम्पीरियल भी हो सकता है और मेट्रिक भी हो सकता है। तो बोथ वन एंड टू का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर इज, तो ये हमारा इम्पीरियल और मेट्रिक जो है दोनों होता है, ठीक है। तो बोथ वन एंड टू का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। साथ में मेट्रोलॉजी को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इम्पीरियल में और मेट्रिक में, ठीक है। तो ये बेसिक बात जो है वो आपको यहाँ पे पता होगी। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओल्ड सिस्टम ऑफ मेट्रोलॉजी इज, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी का पुराना सिस्टम क्या है? इम्पीरियल है, मेट्रिक है, मेट्रोलॉजी है या फिर नॉन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, जो हमारा ओल्डेस्ट सिस्टम है वो हमारा है इम्पीरियल सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है कि मेट्रोलॉजी का जो ओल्डेस्ट सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, वो कौन है? वो है इम्पीरियल सिस्टम, ठीक है। इम्पीरियल सिस्टम जो है ये ओल्डेस्ट सिस्टम है, ठीक है। सबसे पुराना जो सिस्टम है वो यही है। तो देखिए, आखिरकार हमें फार्मास्यूटिक्स में मेट्रोलॉजी क्यों पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि पहले दवाइयाँ कंपनी की तरफ से बन के नहीं आती थी, बनी बनी जो है वो यहाँ पे बनी बनी जो यहाँ पे आपकी मेडिसिन दवाइयाँ हैं वो कंपनी की तरफ से बन के नहीं आती थी। उस समय जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर हुआ करते थे, ठीक है, उस समय जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर हुआ करते थे वो कंपाउंडिंग का काम किया करते थे, ठीक है। उनका काम होता था इंजेक्शन बनाना, पाउडर बनाना, टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, इस तरह के जो यहाँ पे मैक्सिमम डोजेज फॉर्म है उनको हॉस्पिटल में ही बनाया जाता था। तो उस समय कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती थी कि उसमें डोज कितना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उस समय का जो आपका यहाँ पे
जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है उसमें ये चैप्टर दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर का इस समय कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इस समय जो भी यहाँ पे दवाइयाँ हैं वो सीधे सीधी जो हैं वो यहाँ पे कंपनी के द्वारा बनी बनाई आती हैं, और उनमें बच्चों की दवाई अलग आती है, बड़ों की दवाई अलग आती है, सबका डोज जो है वो पहले से बना बनाया आता है, तो इसलिए इस चैप्टर का जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो अब नहीं रह गया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अवॉयड डुपोइस सिस्टम इज ए, तो यहाँ पे दिया गया है इंपीरियल सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, एपोथिकैरीज एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा इंपीरियल सिस्टम है, ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इंपीरियल सिस्टम, ये हमारा सबसे पुराना सिस्टम है मेजरमेंट का, ठीक है। तो इस इंपीरियल सिस्टम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है अवॉयड डुपोइस, ठीक है, अवॉयड डुपोइस इसका ये पहला क्लासिफिकेशन है, और इसका दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा होता है एपोथिकैरीज, ठीक है, एपोथिकैरीज ये इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका है, ये क्लासिफिकेशन है हमारा इंपीरियल सिस्टम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि अवॉयड डुपोइस सिस्टम इज ए इंपीरियल सिस्टम, ये इंपीरियल सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए इंपीरियल सिस्टम में कौन कौन आता है, इंपीरियल सिस्टम में आपका हो गया अवॉयड डुपोइस और एपोथिकैरिज, ठीक है, ये किस में आते हैं, ये दोनों इंपीरियल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि इन अवॉयड डुपोइस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज ए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अवॉयड डुपोइस सिस्टम है जो कि एक पार्ट है इंपीरियल सिस्टम का, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वेइंग का, ये यहाँ पे पूछा है। तो देखिए जो इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है पाउंड, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो होता है पाउंड, और इसको हम LB से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम LB से लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारा ये सिस्टम है अवॉयड डुपोइस, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग का, ठीक है, वे का वो क्या है, वो है आपका पाउंड। और देखिए जो हमारा मीट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा मीट्रिक सिस्टम होता है इसमें जो स्टैंडर्ड इसमें जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेइंग का वो क्या होता है, वो होता है किलोग्राम, ठीक है, KG। लेकिन जो आपका यहाँ पे अवॉयड डुपोइस है इसमें जो इसका यहाँ पे वेइंग का स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, वो है पाउंड, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रेन इज स्टैंडर्ड वेट इन, तो ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो ग्रेन है ये किसका स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है एपोथिकैरिज, अवॉयड डुपोइस, मेट्रिक सिस्टम एंड नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे ग्रेन है ये एपोथिकैरिज जो यहाँ पे सिस्टम है जो कि यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम का पार्ट होता है वहाँ का ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले हमने पढ़ा है अवॉयड डुपोइस, ठीक है। तो जो हमारा अवॉयड डुपोइस है, अवॉयड डुपोइस इनका नाम भी ऐसा है, अवॉयड डुपोइस में क्या होता है, इसमें हम पाउंड लेते हैं, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। वहीं अगर हम बात करें एपोथिकैरिज का, ठीक है, अगर हम बात करें एपोथिकैरिज का तो जो इसका यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेन, ठीक है, GRAIN, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे पाउंड है ये हमारा यूनिट होता है किसमें, अवॉयड डुपोइस में, और हमारा ग्रेन है ये होता है एपोथिकैरिज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि गैलन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब आप यहाँ पे वॉल्यूम ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन ले सकते हैं। तो देखिए जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम है, इसमें जो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम होता है उसका यूनिट क्या होता है, वो होता है लीटर, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है, ये हमारा मेट्रिक सिस्टम में होता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम है इसमें हम यहाँ पे जो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसका यहाँ पे यूनिट है वो होता है गैलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे अवॉयड डुपोइस सिस्टम है और एपोथिकैरिज सिस्टम है, इन दोनों में हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिए यानी कि यहाँ पे आपका कैपेसिटी दिया गया है इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं गैलन का, ठीक है। ये जो है ये आपका यहाँ पे यूनिट होता है वॉल्यूम का, या फिर कहें कि यहाँ पे आपका कैपेसिटी का, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किस में आता है, ये हमारा आता है इंपीरियल सिस्टम में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि गैलन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इन इंपीरियल सिस्टम, ठीक है।
चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिस्टम यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी इज। तो देखिए जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है इसमें किस सिस्टम को फॉलो किया गया है वेट और कैपेसिटी को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंपीरियल सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, एवॉयड पोइस सिस्टम एंड एपोथिकैरीज सिस्टम। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी है इसके अंदर मेट्रिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मेट्रिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे पास वजन है, जो इसका यहाँ पे यूनिट है वो केजी होता है, जो यहाँ पे कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम है। ठीक है, कैपेसिटी यानी कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, जो इसका यूनिट है वो लीटर होता है। ठीक है, जो इसका यहाँ पे यूनिट है वो क्या होता है, वो यहाँ पे लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है इसमें मेजरमेंट के लिए, वेट और कैपेसिटी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मेट्रिक सिस्टम को। मेट्रिक सिस्टम में वेट के लिए हम यहाँ पे जो यहाँ पे यूनिट है उसका यूज करते हैं केजी का, और यहाँ पे जो आपका कैपेसिटी है वॉल्यूम है उसके लिए हम यूज करते हैं लीटर का। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन मेट्रिक सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया कि जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है इसमें जो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है किलोग्राम। ठीक है, वो होता है किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि इन मेट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है इसमें यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, तो वो होता है लीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 100 ml, 1000 ml, 10000 ml और 10 ml। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे 1 लीटर है ये किसके बराबर होता है, ये 10 ये आपका यहाँ पे 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है, 1000 ml के बराबर जो है ये होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 लीटर जो है वो 1000 ml यानी कि मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, 1 ड्रॉप किसके बराबर होता है, 1 ml, 2 ml, 3 ml की 4 ml। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 0.06 ml। ठीक है, तो 1 ड्रॉप जो है ये हमारा 0.06 ml के बराबर होता है। तो ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि 1 ड्रॉप जो है वो 0.06 ml के बराबर होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 tsp इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे से फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए जिसमें कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 1 tsp कितना होता है। तो ऑप्शन दिया गया है 2 ml, 3 ml, 4 ml, और नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए 1 tsp, ठीक है, 1 tsp जो है ये हमारा 4 ml के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1 tsp का मतलब 4 ml होता है। ठीक है, 4 ml जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 tablespoon इज इक्वल टू। तो इसके पहले हमने क्या किया है, इसके पहले हमने किया है 1 tsp, लेकिन अब की बार हम यहाँ पे लिए हैं 1 tablespoon किसके बराबर होता है, 1 tablespoon किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 15 ml, 10 ml, 5 ml, और जो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए 1 tablespoon जो है वो हमारा 15 ml के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1 tablespoon इज इक्वल टू 15 ml। ठीक है, 15 ml जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए यहाँ पर एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगता है, जैसे हमारे पास 2 सॉल्यूशन है और इसके बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दिया यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली हमने लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि आपका इधर भी
वन साइड भी और टू साइड भी, ठीक है। इसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो आपका यहाँ पे वो आपका जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और अगर ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। तो अगर कम होगा तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक, और अगर ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि द सॉल्यूशन विच हैव नॉट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज टर्मेड एज। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन दिया गया आइसोटोनिक, पैराटोनिक, और यहाँ पे लिखा गया हाइपोटोनिक एंड नॉन ऑफ दीज। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक बराबर नहीं है, सेम नहीं है, उसे हम पैराटोनिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक समान नहीं होता है उन्हें हम पैराटोनिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि वन डेजर्ट स्पून फुल इज इक्वल टू। तो वन डेजर्ट स्पून फुल जो है वो किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन दिया गया है 4 ml, 8 ml, 15 ml एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, 8 ml, ठीक है। तो 8 ml जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कि वन डेजर्ट स्पून फुल इज इक्वल टू 8 ml, ठीक है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया कि वन पिंट इज इक्वल टू, एक पिंट जो है वो किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन दिया गया है 100 ml, 200 ml, 300 ml एंड 500 ml। तो देखिए वन पिंट जो है वो 500 ml के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए जो ये टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा दिए गए हैं, और उनको आपको सीखने की बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इस एमसीक्यू में हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता भी है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जो हमारे यहाँ पे बाकी सिलेबस है, बाकी टॉपिक है, उन्हें अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कवर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कि वन ग्रेन इज इक्वल टू, वन ग्रेन जो है ये किसके जो है इक्वल होता है, 10 mg के, 25 mg के, 30 mg के, या फिर 60 mg के, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे वन ग्रेन है ये इक्वल होता है 60 mg के। ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कि वन ग्रेन इज इक्वल टू 60 mg, यानी कि 60 mg, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन हो रहा है किसी मेम्ब्रेन के माध्यम से तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे शरबत हमने बना लिया है, हमने यहाँ पे ग्लास लिया और हमने इसमें क्या बना दिया, हमने इसमें शरबत बना दिया है। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है पानी का और चीनी का, ठीक है, हमने इसके लिए इस्तेमाल क्या किया, पानी और चीनी का। तो जब हम यहाँ पे शरबत बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें जो आपका यहाँ पे पानी है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जो यहाँ पे चीनी है इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो देखिए जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम होगी वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपका पानी है वो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, और जो आपका यहाँ पे चीनी है ये यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे डिफ्यूजन होता है सॉल्वेंट का थ्रू ए मेम्ब्रेन तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए मेम्ब्रेन, या फिर सेमी परमिएबल अगर यहाँ पे लिखा रहता तो और अच्छा रहता। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे हम कर लेते हैं, कि IV इंजेक्शन मस्ट बी। तो देखिए जो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है ये आपका पैराटोनिक होता है, या फिर आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है। तो देखिए जो यहाँ पे IV इंजेक्शन दिया जाता है ये हमारा आइसोटोनिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उस इंजेक्शन में होना चाहिए, उससे कम या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो भी इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, IV इंजेक्शन दिया जाता है, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि IM इंजेक्शन शुड बी।
तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है ये आपका पैराटोनिक होता है, स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है, स्लाइटली हाइपोटोनिक होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है इसको हम कहाँ देते हैं, इसको हम देते हैं फैट वाली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे हमारी बॉडी में फैट होता है, तो वहाँ पे कोई ब्लड प्लाज्मा से या फिर ब्लड से वहाँ कोई खास मतलब नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हाइपर टोनिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं ये थोड़े से हाइपर टोनिक होते हैं, ठीक है। इनको हमें आइसोटोनिक नहीं रखना होता है क्योंकि हमें इनको ब्लड में इंजेक्ट नहीं करना है, इनको हमें फैट वगैरह में जो है वहाँ पे हमें इनको यहाँ पे इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आई सॉल्यूशन शुड बी, तो जो हम यूज करते हैं आई सॉल्यूशन ये आइसोटोनिक होना चाहिए, हाइपोटोनिक होना चाहिए, हाइपर टोनिक होना चाहिए, और नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो भी आई लोशन वगैरह होता है ये हमारा होना चाहिए आइसोटोनिक, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे आई वी इंजेक्शन है और आई लोशन है ये दोनों जो हैं ये आइसोटोनिक होने चाहिए, और जो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये थोड़ा सा हाइपरटोनिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर यहाँ पे आपका आइसोटोनिक नहीं होगा या फिर अगर यहाँ पे कहें कि हाइपरटोनिक होगा या फिर हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी आरबीसी हैं और ये हमारे ब्लड के अंदर फ्लो होती रहती हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्लाज्मा के बराबर है, ठीक है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है जो उसका यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके ये बराबर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आरबीसी विल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यहाँ पे लिखा गया है, इसमें लिखा गया है स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, या फिर रिटेन इट्स शेप, ये अपनी शेप बनाए रखेगी, और नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने आइसोटोनिक कंडीशन लिया है तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो आपकी आरबीसी है ये नॉर्मल शेप में है, यानी कि इसका शेप जैसा था उसी शेप में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा किस में हो रहा है, ये हमारा हो रहा है आइसोटोनिक कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि रिटेन इट्स शेप, ठीक है, ये अपना जो यहाँ पे शेप है आरबीसी वो यहाँ पे बनाए रखेगी, ठीक है। लेकिन देखिए अब की बार क्या हुआ कि हमने इसी आरबीसी को यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इसका यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे आरबीसी के अंदर वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे, और इसी की वजह से क्या होगा कि जो आपकी यहाँ पे आरबीसी है ये श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आरबीसी है ये इसमें हो जाएगी सिकुड़न हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी सिकुड़ जाएगी, इसी को हम श्रिंक या फिर प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए अगर हम इसी रेड ब्लड सेल को रख देते हैं कहाँ पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसका कि ठीक है इसका यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जो आपका यहाँ पे आरबीसी है उसके अंदर यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे कम है तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि जो आपका यहाँ पे आरबीसी है उसका शेप बड़ा हो जाएगा, ये फूल जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था वो था रिटेन इट्स शेप, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। तो देखिए अगर हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का तो उसमें सोडियम क्लोराइड का कितना परसेंटेज होना चाहिए कि वो हमारा आइसोटोनिक हो जाए हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ में। तो ऑप्शन दिया गया है 0.8, 0.9, 1 एंड 1.2, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे 0.9% की अगर कंसंट्रेशन होती है, अगर 0.9% की अगर हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारा आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के साथ में, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे बराबर रहेगा, ठीक है।
चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% सोडियम क्लोराइड इज, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि 1.2% सोडियम क्लोराइड है, तो ये सॉल्यूशन आइसोटॉनिक होगा, हाइपोटॉनिक होगा, हाइपरटॉनिक होगा या फिर नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया है कि अगर 0.9% है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आइसोटॉनिक होगा, और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हाइपरटॉनिक हो जाएगा। अगर 0.9 से वैल्यू ऊपर हो जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा हाइपरटॉनिक, और अगर 0.9 से वैल्यू नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा हाइपोटॉनिक। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया 1.2। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपका वैल्यू दिया गया है ये 0.9 से ज्यादा दिया गया, यानी कि ये आपका हाइपरटॉनिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इतने सारे MCQ जो है वो आज की क्लास में हमने किए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए अगर हम कोई यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें कि 0.5% सोडियम क्लोराइड है, तो क्या ये ब्लड प्लाज्मा के साथ में ये आपका आइसोटॉनिक होगा, हाइपोटॉनिक होगा या फिर हाइपरटॉनिक होगा। इस क्वेश्चन का आप सही जो यहाँ पे आंसर है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अगर हम 0.5% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं तो ये ब्लड प्लाज्मा के साथ में हाइपोटॉनिक होगा, आइसोटॉनिक होगा या फिर हाइपरटॉनिक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आपको ये क्लास जरूर से पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।